हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डिस्कस सोशल स्टडीज क्लास सिक्स की। और आपका जो हमने प्रीवियस वीडियो आपको दिया उसमें हमने आपको पॉलिटिकल साइंस का, सोशल एंड जो पॉलिटिकल साइंस है उसका हमने सेकंड चैप्टर करवाया था, इनकम्प्लीट था, प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर था वो अधूरा था, तो आज हम जो आज का वीडियो रहेगा उसमें हमारा जो चैप्टर सेकंड है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं स्टीरियोटाइप से स्टार्ट करते हैं। ओके, जो हमारा चैप्टर है वो हम स्टार्ट करेंगे। तो देखेंगे, हेडिंग है आपकी स्टीरियोटाइप। स्टेरियोटाइप इज ए फिक्स्ड आइडिया डेट पीपल हैव अबाउट व्हाट समवन और समथिंग इज लाइक, स्पेशली व्हेन द आइडिया इज अ रॉन्ग वन। वी ऑफन स्टेरियोटाइप ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर रेस, रीजन, रिलीजन, जेंडर, सोशल स्टेटस, प्रोफेशन एक्सेट्रा। तो जो स्टेरियोटाइप है आपका वो क्या है, एक निश्चित विचार है डेट पीपल हैव अबाउट व्हाट समथिंग और समवन इज लाइक, स्पेशली व्हेन द आइडिया इज अ रॉन्ग वन। कि लोगों के पास किसी व्यक्ति के बारे में क्या है, खासकर जब विचार वी ऑफन स्टेरियोटाइप ग्रुप बेस्ड ऑन देयर रेस, रीजन, रिलीजन, जेंडर, सोशल स्टेटस, प्रोफेशन एक्सेट्रा। तो क्या है कि जब हम अक्सर उनकी जाति, धर्म, लिंग और क्षेत्र, सामाजिक स्थिति, पैसे आदि के आधार पर स्टेरियोटाइप समूह होते हैं। This must be sounding similar to being prejudiced, but there is a fine line of differences between prejudice and stereotype. लेकिन क्या है, यह है जो पूर्वाग्रह के समान लग रहा होगा, लेकिन पूर्वाग्रह और रूढ़िवाद के बीच अंतर की एक अच्छी रेखा है। क्या है, इनकी एक अच्छी रेखा है। वी थिंक डेट गर्ल लाइक डॉल्स, बुक्स, इंडोर गेम्स एक्सेट्रा, वेरीज बॉयज लाइक टू प्ले विद कार्स, बाइक एक्सेट्रा, दिस इज ए स्टेरियोटाइप थॉट एंड वी फॉलो इट ब्लाइंडली। क्या है कि जब हम सोचते हैं कि लड़कियों को गुड़िया, किताबों, इंडोर गेम आदि पसंद होते हैं, जबकि लड़कों को कार, बाइक आदि से खेलना पसंद होता है, यह एक स्टेरियोटाइप विचार है और हम इसका आँख बंद करके पालन करते हैं। क्या करते हैं, हम इसका आँख बंद करके पालन करते हैं। Sometimes we stereotype a group of people and label the whole group. This group could be from a particular religion, country, sex or state. This label or judgment is unfair because it does not allow us to understand the people on their culture. Prejudice, stereotype and discrimination often lead to inequality in society. क्या है कि जो stereotype, जो क्या है कि जो traditionally भारत में महिलाओं के स्टेरियोटाइप के रूप में माना जाने वाला खाना बनाना अनुचित है, क्योंकि वे हमें लोगों को अलग अलग गुणों, क्षमताओं, पसंद और नापसंद के साथ अद्वितीय व्यक्तियों के रूप में व्यवहार करने से रोकते हैं। रूढ़िवादिता हमें एक अद्वितीय प्रतिभा या क्षमता को प्रदर्शित करने या उसकी सराहना करने से भी रोक सकती है।
समटाइम कभी कभी हम दोनों हम लोगों के एक समूह को स्टीरियोटाइप करते हैं और पूरे धर्म देश लिंग या राज्य को लेबल करते हैं। क्या करते हैं? लेबल करते हैं। दिस लेबल और जजमेंट इज अनफेयर बिकॉज इट डज नॉट अलाउ अस टू अंडरस्टैंड द पीपल ऑन देयर कल्चर। प्रेजुडिस स्टीरियोटाइप एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑफन लीड टू इनइक्वालिटी इन सोसाइटी। क्या है कि जो लेबल करती है हमें, जो राज्यों को क्या करती है कि पूरे धर्म देश लिंग या राज्य को वो लेबल करती हैं, यह लेबल या निर्णय अनुचित है। जो लेबल किया जाता है या जो निर्णय लिया जाता है वो क्या है? अनुचित है। ओके, क्योंकि हमें लोगों को उनकी संस्कृति पर समझने की अनुमति, क्योंकि जो संस्कृति है वो हमें उनको समझने की अनुमति नहीं देता है। क्या है? उनको समझने की अनुमति नहीं दी जाती है। फिर पूर्वाग्रह रूढ़िवादिता और भेदभाव अक्सर समाज में असमानताओं को जन्म देते हैं। जो भी क्या है कि जो पूर्वाग्रह रूढ़िवादिता और जो भेदभाव हैं वो अक्सर समाज में असमानताओं को जन्म देते हैं, असमानताओं को जन्म देते हैं। ठीक है, आप देखेंगे इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन मतलब असमानता और भेदभाव। इनइक्वालिटी इन इज अनदर बेसिस फॉर डिस्क्रिमिनेशन। जो असमानता भेदभाव का एक और आधार है, जो असमानता है इज अनदर बेसिस फॉर डिस्क्रिमिनेशन। असमानता भेदभाव का एक और आधार है। ओके, इनइक्वालिटी टेक्स ऑन वेरियस फॉर्म्स लाइक द अनइक्वल अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ और द अनइक्वल स्टेटस ऑफ मैन एंड वुमेन। डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ इनइक्वालिटी इज डिफरेंट फ्रॉम डेट बेस्ड ऑन डिवर्सिटी। क्या है कि जो असमानता विभिन्न रूपों में होती है, असमानता क्या है? इनइक्वालिटी टेक्स ऑन वेरियस फॉर्म्स लाइक द इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। तो जो असमानता है विभिन्न रूपों में होती है, असमानता क्या है? विभिन्न रूपों में होती है, जैसे धन का असमान वितरण, जैसे धन का असमान वितरण और द अनइक्वल स्टेटस ऑफ मैन और वुमेन या पुरुष और महिलाओं की असमान स्थिति। डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ इनइक्वालिटी इज डिफरेंट फ्रॉम दैट बेस्ड ऑन डिवर्सिटी। असमानता के आधार पर भेदभाव, विविधता, ठीक है, के आधार पर भेदभाव से अलग है। द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉस्पर्टी एंड वेल्थ इज सोसाइटी ह्यूजिक इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। जो द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉस्पर्टी एंड वेल्थ इन ए सोसाइटी ह्यूजिक इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। People who are poor do not have access to good food, clothing, shelter or education. The poor suffer when they are ill as they cannot pay for expensive medical treatment. To the unequal distributions of property and wealth in a society using economic inequality. तो जो भी क्या है कि जो धन का असमान वितरण है, आर्थिक संपदा आर्थिक असमानता का कारण बनता है। समान जो क्या है कि आधार पर भेदभाव से अलग है। समाज में संपत्ति और धन का जो असमान वितरण है आर्थिक असमानता का कारण बनता है। जो लोग गरीब हैं उनके पास अच्छा भोजन वस्त्र आश्रय शिक्षा का एक तक पहुंच नहीं सकती। गरीब
क्या है कि उनके पास इनकी असमानता रहती है. The unequal distributions of property and wealth in a society created economic inequality. तो जो असमानता है कहे प्रॉपर्टी की धन की सोसाइटी में वो क्या है आर्थिक असमानता का कारण बनती है. People who are poor do not have fugit to good food, clothing, shelter or education. जो people who are poor जो लोग गरीब होते हैं गरीब हैं do not have access to food. उनका सक्षम नहीं होती है वो अच्छा भोजन अच्छे कपड़े अच्छी अच्छे मकान और अच्छी शिक्षा की क्या होते हैं उनका अभाव होता है उनमें. तो द पुअर सफर व्हेन दे आर इल जब पुअर सफ़र करते हैं गरीब सफ़र करते हैं पीड़ित होते हैं उन चीज़ों से जब वो बीमार पड़ते हैं. एज दे कैन नॉट पे फॉर एक्सपेंसिव मेडिकल ट्रीटमेंट जैसे कि वे क्या करते हैं एक्सपेंसिव मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं ले सकते हैं. एज दे लैक गुड एजुकेशन और उनके पास अच्छी शिक्षा की कमी हो जाती है. दे आर अनेबल टू गेट गुड जॉब और वो अच्छी जॉब पाने में भी सक्षम नहीं हो पाते हैं. दस द पुअर गेट डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन मैनी वेज और इस तरह से क्या है और इस तरह से गरीबों के साथ कई तरह से भेदभाव किया जाता है और इस तरह से गरीबों के साथ कई तरह से भेदभाव किया जाता है. फीमेल फर्टिसाइड एंड इन्फेंटिसाइड द किलिंग ऑफ फीमेल फेटसेस एंड बेबीज आर टू इविल्स prevalent not only in our villages but also in educated urban families. ठीक है तो क्या है कि the demand for dowry made on the parents of the bride is another example of social injustice. तो female foeticide and infanticide तो क्या है ये भ्रूण कन्या भ्रूण हत्या और शिशु हत्या द किलिंग ऑफ फीमेल फ्यूटिस एंड बेबी यानी भ्रूण और शिशुओं की हत्या आर टू इविल्स प्रेवलेंट नॉट ओनली इन आवर विलेजेज बट आल्सो इन एजुकेटेड अर्बन फैमिलीज. क्या है कि ना केवल हमारे गांव में बल्कि शिक्षित शहरी परिवारों में भी प्रचलित दो बीमारियां हैं. द डिमांड फॉर डॉवरी मेड ऑन द पेरेंट्स ऑफ द ब्राइड दुल्हन पर की जाने वाली दहेज की मांग सामाजिक अन्याय है इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ सोशल इनजस्टिस और क्या है सामाजिक अन्याय का एक दूसरा उदाहरण है एक उदाहरण है कास्ट सिस्टम. आप देखते हैं कास्ट सिस्टम यानी जाति प्रणाली. तो कास्ट सिस्टम प्लेज अ वेरी इम्पोर्टेंट रोल इन इंडिया. जो कास्ट सिस्टम है वो क्या है भारत में जो जाति विभाजन है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. डेस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोहिबिजन Untouchability is still practiced in many rural parts of India. The four type of caste system in India are giving as under. So, despite constitutional prohibition, इसके बावजूद caste system भारत में जो जाति प्रणाली है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. डेस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन मतलब संवैधानिक निषेध के बावजूद अनटचेबिलिटी इज स्टिल प्रैक्टिस्ड इन मैनी रूरल पार्ट्स ऑफ इंडिया. भारत के कई ग्रामीण हिस्सों में अभी भी अस्पर्धता प्रचलित है. द फोर टाइप्स ऑफ कास्ट सिस्टम इन इंडिया आर गिविंग एज अंडर भारत में चार प्रकार की जाति व्यवस्था इस प्रकार की व्यवस्था इस प्रकार दी गई है वो हम देखेंगे. अब
तो पॉइंट दिए गए हैं इसमें, ठीक है। जाति व्यवस्था में 4 पॉइंट दिए गए हैं, तो उनको हम डिटेल में देखेंगे। तो जैसे द ब्राह्मण्स, द प्रिस्टली एंड लर्न्ड क्लास, यानी जो द ब्राह्मण हैं वो पुरोहित और विद्वान वर्ग हैं, ठीक है। तो जो पहला पॉइंट है वो है ब्राह्मण्स, द प्रिस्टली एंड लर्न्ड क्लास, ब्राह्मण पुरोहित और विद्वान वर्ग, द क्षत्रिय। दूसरा जो पॉइंट है अपना वो है क्षत्रिय, तो द बैरियर्स एंड रूलर्स, योद्धा और शासक, ठीक है। तो पहला है अपना द ब्राह्मण्स, द प्रिस्टली एंड लर्न्ड क्लास, यानी विज्ञान विद्वान वर्ग और पुरोहित। और जो दूसरा पॉइंट है अपना वो है क्षत्रिय, यानी द बैरियर एंड रूलर्स, शासक और योद्धा। अब तीसरा पॉइंट है वैश्य, जो तीसरा पॉइंट है वो है वैश्य, फार्मर्स एंड मर्चेंट, किसान और व्यापारी, ठीक है। तो 4 पॉइंट है, तो देखिए ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, तीसरा है वैश्य और चौथा है आपका द शूद्र, पीजेंट्स एंड लेवर्स, पीजेंट्स एंड लेवर्स, मजदूर वर्ग और किसान वर्ग, मजदूर और किसान वर्ग। द कास्ट सिस्टम, द कास्ट सिस्टम वाज स्टार्टेड बाय द ब्राह्मण्स, द प्रिस्टली क्लास, एज दे वेयर एडवांटेज बाय इट, द अपर क्लास एंजॉय ऑल द privileges while the lower classes were mistreated and seen as unworthy and the lowest class was often called untouchable. The untouchable were not allowed to eat in the same room along with upper caste person, thinking that they would pollute that person's food. जो कास्ट सिस्टम वाज स्टार्टेड बाय द ब्राह्मण, जो कास्ट सिस्टम था, जो कास्ट, जो जाति प्रणाली थी, वो किसके द्वारा स्टार्ट की गई, वो पुजारी वर्ग द्वारा, यानी जाति व्यवस्था जो ब्राह्मणों यानी पुजारी वर्ग द्वारा शुरू की गई थी। एज दे वेयर एडवांटेज बाय इट, क्योंकि वे इससे लाभान्वित थे, इससे लाभान्वित थे। द अपर क्लास एंजॉयड ऑल द प्रिविलेजेस while the lower class were mistreated and seen as unworthy and the lowest class was often called untouchable. क्या है कि जो इससे जो जिन्होंने क्या किया, ब्राह्मण वर्ग ने इन जातियों की व्यवस्था जन्म दिया इनको, फिर वर्ग को सभी विशेषाधिकार प्राप्त थे। जो पुरोहित वर्ग था, जो ब्राह्मण वर्ग था, उसको सभी प्रकार के जो विशेषाधिकार प्राप्त थे, जबकि निम्न वर्गों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। जो निम्न वर्ग था उसके साथ क्या किया जाता, दुर्व्यवहार किया जाता था, और उन्हें उच्च आयोग के रूप में देखा जाता था, उच्च अनटचेबल के रूप में देखा जाता था, अछूतों को अछूतों की तरह देखा जाता था, और उन्हें क्या किया, जाति के व्यक्ति के साथ एक ही कमरे में खाने की अनुमति नहीं दी जाती थी, और उन्हें उच्च जाति, जो उच्च जाति वर्ग था, उनके साथ उनको खाने की अनुमति नहीं दी जाती थी, यह सोचकर कि वे उस व्यक्ति के भोजन को प्रदूषित कर देंगे, ये सोचकर उनके साथ नहीं रहने दिया जाता था, नहीं रहा जाता था, नहीं से किया जाता था, क्योंकि उनकी सोच ऐसी थी कि दे वुड पॉल्यूट देयर पर्सन्स फूड, क्योंकि वो उनके खाने को अशुद्ध कर देंगे, इसलिए उनको क्या था, उनसे उनको उनके साथ रहने की, एक ही कमरे में रहने की अनुमति नहीं दी जाती थी। अंबेडकर एंड हिज स्ट्रगल अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, अंबेडकर और उनका संघर्ष भेदभाव के विरोध में, अंबेडकर और उनका भेदभाव के खिलाफ उनका संघर्ष। तो द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, बॉर्न इन द महर कम्युनिटी ऑफ महाराष्ट्र, डेडिकेटेड हिज लाइफ टू द वेलफेयर एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ द
Dalits. Mahatma Gandhi called them Harijans. Or the children of God, our government refers to his group of people as Scheduled Caste SC. The father of इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे जो अंबेडकर और भेदभाव के खिलाफ उनका जो संघर्ष था, तो महाराष्ट्र के महार समुदाय में जन्मे भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर ने अपना जीवन दलितों के कल्याण और उत्थान के लिए समर्पित कर दिया. महात्मा गांधी कॉल्ड देम हरिजन्स और द चिल्ड्रेन ऑफ गॉड. महात्मा गांधी ने उन्हें हरिजन या भगवान के बच्चे कहा. हरिजन या भगवान के बच्चे कहा. अवर गवर्नमेंट रिफर टू दिस ग्रुप ऑफ अवर गवर्नमेंट रिफर टू दिस ग्रुप ऑफ पीपल एज शेड्यूल्ड कास्ट SC. और हमारी सरकार लोगों की इस तरह को इस समूह को अनुसूचित जाति यानी SC के रूप में संदर्भित करती है. जो हम सरकार है उन्होंने क्या है लोगों के इस समूह को अनुसूचित जाति यानी SC के रूप में संदर्भित किया है. इन स्पाइट ऑफ द कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन अंबेडकर परस्यू हायर स्टडी. ही एंड His elder brother studied in a school at Satara. They had to sit outside the classroom so that other boys did not get polluted. In spite of the caste based, क्या है कि जाति आधारित भेदभाव के बावजूद In spite of the caste-based discrimination, जाति आधारित भेदभाव के बावजूद अंबेडकर pursued higher study. अंबेडकर ने उच्च अध्ययन किया. He and his elder brother studied in class in a school at Satara. वह और उसके बड़े भाई सतारा के स्कूल में पढ़ते थे. They had to sit outside the classroom so that the other boy did not get polluted. अंबेडकर ने उच्च अध्ययन किया और वह और उनके बड़े भाई जो थे सतारा के स्कूल में पढ़ते थे उन्हें कक्षा के बाहर बैठना पड़ता था कि ताकि दूसरे जो बच्चे हैं लड़के अदूषित ना हो जाए. ठीक है. दे कुड नॉट ड्रिंक वाटर फ्रॉम द स्कूल वेल एंड ऑफन हैड टू रिमेन थर्स्टी द होल डे. वे स्कूल के कुएं का पानी नहीं पी सकते थे और अक्सर उन्हें पूरे दिन प्यासे रहना पड़ता था. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इनकरेज्ड दलित्स टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल एंड कॉलेज. अंबेडकर ने दलितों को अपने बच्चों को स्कूल और कॉलेज भेजने के लिए प्रोत्साहित किया. He also urged them to take on different kinds of government job in order to move out of the caste system. उन्होंने उनमें भी संघर्ष करने का आग्रह उनसे भी संघर्ष करने का आग्रह किया जाति व्यवस्था से बाहर निकलने के लिए विभिन्न प्रकार की सरकारी नौकरियों के लिए. He also urged them to take on different kinds of government job in order to move out of the caste system. मतलब जाति व्यवस्था से बाहर उन्होंने जो different government job है उनके लिए भी उनको उत्साहित किया. He led many efforts of Dalits so as to gain entry into temples. उन्होंने मंदिरों में प्रवेश पाने के लिए भी दलितों के कई प्रयासों का नेतृत्व किया. ही आल्सो बिलीव्ड दैट दलित मस्ट फाइट द कास्ट. ही आल्सो बिलीव्ड दैट दलित्स मस्ट फाइट द कास्ट सिस्टम एंड वर्क टुवर्ड ए सोसाइटी बेस्ड ऑन रिस्पेक्ट फॉर द ऑल पर्सन. उनका यह मानना था कि दलितों को जाति व्यवस्था से लड़ना चाहिए और एक समाज की दिशा में काम करना चाहिए.
जो कि क्या था, और एक समाज की दिशा में काम करना चाहिए सभी व्यक्तियों के सम्मान पर, जो भी आधारित था। लेटर इन लाइफ लेटर इन लाइफ बाद के जीवन में ही कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म इन हिज सर्च फॉर ए रिलीजन दैट ट्रीटेड ऑल मेंबर इक्वली। क्या है, बाद के जीवन में उन्होंने एक ऐसे धर्म की खोज में बौद्ध धर्म अपना लिया जो सभी सदस्यों के साथ समान व्यवहार करता था। ठीक है, नॉलेज होने के बावजूद भी उनको बहुत सारा जाति प्रणाली के में संघर्ष करना पड़ा। अपने आप को उठाने के लिए, अपनी रिस्पेक्ट के लिए उन्होंने बहुत सारा काम किया, और इसके बाद उन्होंने अपना धर्म ही चेंज कर लिया। उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया जिसमें सभी सदस्यों के साथ समान व्यवहार किया जाता था। फाइटिंग फॉर इक्वालिटी, संघर्ष समानता के लिए संघर्ष, फाइटिंग फॉर इक्वालिटी। यानी ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल दलित वुमेन ट्रिवल्स एंड फार्मर्स फॉर नॉट ओनली फॉर फ्रीडम फ्रॉम फॉरेन रूलर बट आल्सो फॉर डिग्निटी एंड इक्वालिटी। समानता के लिए संघर्ष, ठीक है, फाइटिंग फॉर इक्वालिटी यानी समानता के लिए संघर्ष। तो ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दलित वुमेन ट्रिबल्स एंड फार्मर फॉट नॉट ओनली द फ्रीडम्स फ्रॉम फॉरेन रूलर बट आल्सो फॉर डिग्निटी एंड इक्वालिटी। जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दलितों, महिलाओं, आदिवासियों, किसानों ने ना केवल विदेशी शासकों से आज़ादी के लिए बल्कि सम्मान और समानता के लिए भी लड़ाई लड़ी। फॉर एग्जाम्पल, मैन वॉन्टेड टू बी एजुकेटेड जस्ट लाइक द मैन, दलित्स फॉट फॉर द राइट टू इंटर टेम्पल्स एंड फार्मर एंड ट्रिबल्स वॉन्टेड टू बी फ्री ऑफ द कंट्रोल्स ऑफ मैनी मनी लेंडर्स हु चार्ज हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। उदाहरण के लिए, महिलाएं पुरुषों की तरह ही शिक्षित होना चाहती थी। दलितों ने मंदिरों में प्रवेश के अधिकार के लिए भी लड़ाई लड़ी, और किसान और आदिवासी साहूकारों के नियंत्रण से मुक्त होना चाहते थे जो उच्च ब्याज दर वसूलते थे हिज कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। व्हेन इंडिया गेन्ड फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश द लीडर्स रियलाइज दैट दे हैड वन द वार अगेंस्ट एन एक्सटर्नल इनेमी बट मैनी इंटरनल इनेमीज सच एज इनक्वालिटी पॉवर्टी एक्सेट्रा। तो क्या है कि जब भारत को अंग्रेजों से आज़ादी मिली, नेताओं ने महसूस किया कि उन्होंने एक बाहरी दुश्मन के खिलाफ युद्ध जीत लिया है, लेकिन सभी भारतीयों को समानता का जीवन और स्वतंत्रता की भावना देने के लिए उन्हें नियमों को क्या करना चाहिए, जैसे गरीबी और अनइक्वलिटी यानी अन्याय स्टिल रिमेंड In order to give all Indians a life of equality and sense of freedom, they needed a set of rules that would guide not only the government but also the people of India. Hence, a board was constituted to draft the constitutions of India, order the chairmanship of Dr. Bhimrao Ambedkar. Kya kiya ki समानता का जीवन और स्वतंत्रता की भावना देने के लिए उन्हें नियमों के एक सेट की आवश्यकता थी, ना केवल सरकार बल्कि भारत के लोगों की भी मार्गदर्शन करें। इसलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक बोर्ड का गठन किया गया था। अम्बेडकर कई आंतरिक शत्रु जैसे असमानता, गरीबी आदि अभी भी बने हुए हैं, ठीक है। फिर वी अडॉप्टेड आवर कॉन्स्टिट्यूशन इन 1950, इट इज ए विटल डॉक्यूमेंट दैट कंटेन द बेसिक
framework of government and the right of the people of India. 1950 में हमने अपना संविधान अपनाया था। यह महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिससे सरकार का बुनियादी ढांचा और भारत के लोगों के अधिकार शामिल हैं। द प्रीम्बल और द इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन है डिक्लेयर्ड इंडिया ए सेवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड गारंटी सोशल इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस टू ऑल अवर कॉन्स्टिट्यूशंस ले डाउन एन इम्प्रेसिव लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स दैट ऑफर टू ऑल सिटीजन दोज बेसिक फ्रीडम्स विच अलोन कैन मेक लाइफ सिग्निफिकेंट एंड डेमोक्रेसी फ्रूटफुल Some of the important fundamental rights include the right of freedom of religion, right to equality, and right to freedom. We must remember that there is no place for prejudice or discrimination in our community, homes, schools, or place of work. People will have to struggle for equality, and the government will have to support them. क्या है कि जो संविधान की प्रस्तावना ने भारत को एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया है और सभी को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की गारंटी देता है। हमारा संविधान मौलिक अधिकारों की एक प्रभावशाली सूची प्रदान करता है जो सभी नागरिकों को उन बुनियादी स्वतंत्रताओं की पेशकश करता है जो अकेले जीवन को महत्वपूर्ण और लोकतंत्र को फलदायी बना सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण मौलिक अधिकारों में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है। हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारे समुदायों, घरों, स्कूलों, कार्यस्थलों में पूर्वाग्रह या भेदभाव के लिए कोई जगह नहीं है। लोगों की समानता के लिए संघर्ष करना होगा और सरकार को इसका साथ देना होगा। ओके, इस तरह से हमने ये जो चैप्टर सेकंड था वो कंप्लीट कर लिया है क्लास 6 का। ओके, तो हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। ओके, थैंक यू।